ये हीरक जयंती होने वाली है। ये कॉलेज का जन्म सन 1964 में हुआ था, तो 2024 जो साल है ये हीरक जयंती वर्ष है, और 8, 9 और 10 नवंबर 2024 को हीरक जयंती समारोह किया जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारी हीरक जयंती कार्यक्रम चल रहे हैं, तो उन सभी कार्यक्रमों को एक समावेश करके, एक कार्यक्रम में प्रॉपर करके, रूपरेखा तैयार करके, उसको अंतिम कार्य रूप दे करके, उसको पूरा आगे बढ़ाने के लिए सुचारू रूप से आगे बढ़े और हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में सभी को जानकारी जाए कि इंजीनियरिंग कॉलेज में हीरक जयंती में क्या होने वाला है, इसलिए आज का ये आयोजन किया गया। हीरक जयंती में कार्यक्रम में कॉलेज के विकास का क्या प्लान, तो प्रिंसिपल सर बता पाएंगे? देखेंगे कि यहाँ पे 6 नए क्लासरूम बनके तैयार हो गए हैं, उनमें क्लासेस लगना शुरू हो गई हैं। इसके अलावा हमारा एक कंप्यूटर साइंस का नया ब्लॉक बन रहा है, PIU बना रहा है उसको, 4.5 करोड़ की लागत से करीब उसका आधा काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा हमारे एक ऑडिटोरियम प्रपोज्ड है, उसका भी काम जल्दी शुरू होगा बैडमिंटन हॉल के ऊपर हॉल में। और इसके अलावा जो हमारा हॉस्टल था ओल्ड, बच्चों के हॉस्टल की काफ़ी यहाँ दिक्कतें थी, ख़ासतौर से बच्चों के, हमारी संख्या बहुत बढ़ रही है इंजीनियरिंग में, बच्चों की संख्या बच्चों से सुपरसीड कर गई है, ये हालत है। उसके लिए हमने अपने बोर्ड से, मंत्री जी से परमिशन लेकर के एक 6 करोड़ का नया हॉस्टल, नया 100 सीटर गर्ल्स हॉस्टल हीरक जयंती वर्ष में, उसको एक, ये हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि हम माननीय मंत्री जी से उसका आधारशिला रखेंगे कुछ दिनों, उसका टेंडर हो गया है, हाउसिंग बोर्ड बनाएगा उसको, वो हमारा मेजर एक प्रोजेक्ट है हीरक जयंती वर्ष में। और हमारे ये इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे छोटे छोटे काम चल रहे हैं, बच्चों के प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे बच्चों ने बनाए हैं, वो आपको टेक फेस्ट में देखने को मिलेंगे आने वाले समय में जब ये हीरक जयंती। और बाकी काफ़ी काम चल रहे हैं छोटे मोटे, तो वो बताना बहुत लंबा हो जाएगा यहाँ पर। विद्यार्थियों के रोजगार और विकास के लिए क्या? हाँ, विकास, ये रोजगार का ऐसा है कि 2020 में जब ये कोविड काल था वो हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी सिद्ध हुआ रोजगार के बारे में। वो कैसे? वो ऐसे कि हमने कोशिश की ऑनलाइन इंटरव्यूज़ के लिए, क्योंकि रीवा एक रिमोट प्लेस है, अब वो मंत्री जी के सौजन्य से एयरपोर्ट चालू होने वाला है यहाँ पर, अदरवाइज़ इसके पहले यहाँ कनेक्टिविटी की बहुत प्रॉब्लम थी, बड़ी कंपनियाँ जो हैं उनके जो ये होते हैं HR वाले, वो नॉर्मली उनको इतना टाइम नहीं होता कि वो ट्रेन से आएँ, उस वजह से बहुत दिनों तक रोज़गार के मामले में पिछड़े रहे। पिछले 5 सालों में हमने इसमें बहुत प्रगति की है, और हमने 2018 में कंप्यूटर साइंस ब्रांच शुरू की थी, पहला बैच जो 2022 में निकला उसके 100% बच्चे प्लेसमेंट हुए यहाँ पे, बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारा रहा। उसके बाद उसके देखा देखी बाकी ब्रांचेस, कोर ब्रांचेस, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इसमें भी बच्चे प्लेस होने लगे। आज की तारीख में हम 75% बच्चे हमारे प्लेस हो जाते हैं, क्योंकि हमारी रेपो बन गई है कंपनियों से। एलुमनाई एसोसिएशन की तरफ से इसमें भी हमने काफ़ी काम कर रहे हैं, हमने एक प्रोग्राम किया है स्टेप स्किल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्लेसमेंट। बेसिकली आपको क्या चाहिए? बच्चों को वो स्किल देना है कि या तो वो खुद एंटरप्रेन्योर बन जाए या उसका अच्छा प्लेसमेंट हो। तो पिछले 4 महीनों से कॉलेज के एलुमनाई हर शनिवार को 4 बजे से 5 बजे तक एक प्रोग्राम करते हैं, जहाँ पे वो कैसे अपनी स्किल को डेवलप कर सकें और कैसे अपने प्लेसमेंट्स और इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ा सकें, इस पर काम चल रहा है। पिछले 4 महीने में ही करीब 40-50 बच्चों को इंटर्नशिप दी गई है, उनके प्लेसमेंट में करीब 10-15 बच्चों को हेल्प की गई है। तो और इसका एक अलग से कॉर्पस बनाया जाएगा, स्टेप कॉर्पस, जो सिर्फ इसी काम पर काम करेगा उसके इंटरेस्ट से, कि बच्चों को थ्रू आउट द ईयर कॉलेज प्रिंसिपल, कॉलेज के प्राचार्यगण, कॉलेज के लैब सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बट एलुमनाई अपनी तरफ से उनको सपोर्ट करेगा कि एक एक्सपर्ट्स लेकर के आए मार्केट से और उनको लेटेस्ट ट्रेंड क्या हैं उनके बारे में उनको जानकारी दी जाए, जो कि हो सकता है शासन के माध्यम से संभव ना हो, तो एलुमनाई उसको सप्लीमेंट करेगा, कॉलेज के सप्लीमेंट करेगा। कॉलेज में पढ़ाई करने वाले पुराने छात्र जिन्होंने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की हो उनके नाम वो तो अनगिनत हैं। हमारे पास तो पद्मश्री भी हैं, पद्मश्री भी हैं, हाँ। सामने सर बैठे हुए हैं, CMD से सर बैठे हुए हैं, डैड NTPC में CMD चेयरमैन, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में हैं, अमेरिका में, मतलब कि US में हैं, बिलियन डॉलर की कंपनी है, डिप्टी CM है हमारे, डिप्टी CM साहब यही हैं, MLA हमारे हैं,
लोग डीजीपी लेवल पे हैं, पीसीसीएफ लेवल पे हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स में एयर कमांडर एयर मार्शल लेवल पे हैं, राष्ट्रपति पदक है, प्रधानमंत्री के अवार्डी हैं, डीआरडीओ में साइंटिस्ट हैं जो कि जिनको प्राइम मिनिस्टर अवार्ड है, मतलब कि इतनी लंबी लिस्ट है कि हम उनको ये तो बहुत लंबी लिस्ट है। हमने तो करीब कितना 1500 कुल मिलाकर के 1500 के आसपास ने हमें अभी कांटेक्ट में है रिस्पॉन्स जो आना चाह रहे हैं। करीब करीब हमें उम्मीद है कि 600 से ऊपर एलुमनाई जरूर आएंगे यहाँ पे। अभी इसके ऊपर चूंकि हमें रिटर्न में मंजूरी नहीं मिली है तो बता पाना संभव नहीं होगा। कोई तकनीकी मेले का आयोजन भी होगा? हाँ बिल्कुल, आपने बताया सर, वो हमारे बच्चे कुछ प्रोजेक्ट अच्छे कर रहे हैं, फिक्स ऑर्गेनाइज करें जिसमें कि कॉलेज के स्टूडेंट्स भी अपने कुछ मॉडल्स लगाएंगे और इसके अलावा इंडस्ट्रीज भी कुछ अपना एग्जीबिशन रखेंगी। उस टेक फेस्ट के माध्यम से हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि कॉलेज एक जो है कि इमेज जो है बाहर जाए, आपके प्रेस के माध्यम से भी वो जो है लोग देखेंगे, तो इससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है हमारे कॉलेज की तरफ आएंगी, अट्रैक्ट होंगी कि देखिए इतना स्किल है, जितना स्किल डिमॉन्स्ट्रेट कर सकेंगे उतना ही अच्छा कॉलेज के स्टूडेंट्स को मार्केट में प्लेस होने में हेल्प मिलेगी। तो हम लोगों का इस टेक फेस्ट के उद्देश्य यही है कि हम बच्चों के स्किल को और इंडस्ट्रीज को दोनों को कोलेबरेट कर सकें। देखिए इस समय ज़रूरत ये है कि हम कॉलेज यानी एकेडमिक है ये और इंडस्ट्रीज को किस तरीके से दोनों को जोड़ सकें। अगर हम दोनों को अच्छी तरीके से जोड़ सकेंगे तो आपके जॉब प्लेसमेंट्स वगैरह जो हैं बहुत अच्छे होंगे। तो इस टेक फेस्ट के माध्यम से हम ये कार्यक्रम करेंगे और जैसा अभी राजीव जी ने बताया जो स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम करेंगे जहाँ पे इंडस्ट्रीज आल्सो डायरेक्टली आएंगी, उनके एक्सपर्ट्स आएंगे और वो उनसे बात करेंगे। तो स्किल जैसे इन्हेंस होगी जॉब में फर्दर, जैसा प्रिंसिपल साहब ने बताया कि बड़ी खुशी की बात है कि इनके 100% बच्चे कंप्यूटर साइंस में सेलेक्ट हो रहे हैं, किसी भी कॉलेज के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। तो इससे बहुत फ़ायदा होगा टेक फेस्ट से मैं सोचता हूँ। सर तराई में भी एक टंकी गिर गई थी। जी हाँ जी, और जो हुआ है कॉलेज में प्रिंसिपल सर ने एलुमनाई एसोसिएशन को हमें एक कमरा दिया है, उस कमरे का में एलुमनाई एसोसिएशन का फुल टाइम ऑफिस रहेगा, एक कंप्यूटर ऑपरेटर रहेगा जहाँ पे, और सारे के सारे बच्चे एलुमनाई से संपर्क करने के लिए, सारे बच्चे पूरे कॉलेज के वर्किंग आवर्स में एलुमनाई के से संपर्क स्थापित करें, उनके साथ में इंटरनेट के साथ में जुड़ें और कंप्लीट उनके साथ में रहे, उसके लिए एक ऑफिस यहाँ शुरू किया गया है। आज उस ऑफिस का भी इनॉग्रेशन किया गया है, तो आप उस ऑफिस को भी देख सकते हैं, वहाँ पे कंप्यूटर इंटरनेट की व्यवस्था की गई है और फुल टाइम वहाँ पे एक हम लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं और हमारे एलुमनाई जो यहाँ के हैं वो वहाँ बैठेंगे और बच्चों को फुल टाइम गाइडेंस करने के लिए एक हमने ऑफिस यहाँ पर रखा है सर के मार्गदर्शन में। ये प्रोग्राम कब से होगा, कब तक चलेगा? 8 नवंबर से 10 नवंबर तक। समय गेट का भी बता, सुबह 10 बजे से लेकर के 10 नवंबर के 4 बजे तक। द्वार के नाम पे भी एक द्वार का भी एक बनाया जा रहा है, जैसे आपने पूछा था कॉलेज के विकास का, तो ये जो गेट है उसमें एक हम गेट को कुछ थोड़ा मॉडिफिकेशन करके और एक हीरक जयंती द्वार के रूप में उसको बनाएंगे और उसकी काफ़ी आर्किटेक्चरल वो करेंगे, ब्यूटी देंगे और इसको जो है एल्यूमिनाई जो है इसको उसका डिज़ाइन एल्यूमिनाई नहीं बनाया है, उसका कंस्ट्रक्शन भी एल्यूमिनाई करेंगे और उसको कार्यान्वित उसको कर रहे हैं। हमारे एल्यूमिनाई में बहुत अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट्स हैं और उम्मीद है कि जब वो गेट बनेगा तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। नहीं और जॉइंट है, जॉइंट है, जॉइंट। देखिए जो भी कार्यक्रम है ये सब एल्यूमिनाई और कॉलेज के टुगेदर से है, हमेशा दोनों एक साथ एल्यूमिनाई जो है एल्यूमिनाई कॉलेज को हेल्प करने के लिए, हम लोगों का एक जो है हम लोग इस कॉलेज से पढ़ के गए हैं, हम लोगों का दायित्व है कि कुछ हम वापस लौटाएं। तो इसी संदर्भ में